हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरी इस ड्राइंग की सीरीज़ चल रही है और यह सेकंड लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम बियर्ड को ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बियर्ड के हाइलाइट्स को एक न्यू टेक्निक से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कंपास का यूज़ करके। कंपास से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे, और हमें ठीक से ऑब्जर्वेशन करके ही कंपास से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्ट्रोक्स लगाने में हमें गलती नहीं करनी है, नहीं तो हमारे हाइलाइट्स चेंज हो जाएंगे। स्ट्रोक्स कंप्लीट होने के बाद मैं 2B पेंसिल का यूज करके फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद हमारे जिस मोशन में बाल की ग्रोथ होती है उस मोशन में स्ट्रोक अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे ही हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसे ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। हमें फर्स्ट लेयर का एक बेस क्रिएट करना है, और ध्यान में रहे कि हमने जो कंपास से स्ट्रोक्स लगाए थे उसे हमें मिटाना नहीं है, हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है हमें बियर्ड को। आप देख सकते हो मैं किस टाइप से फर्स्ट लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। आप भी उसी टाइप से स्ट्रोक लगाओ और फर्स्ट लेयर को अप्लाई करो और स्मूथ ब्लेंडिंग कर लो ब्लेंडिंग टूल से। सेकंड लेयर को मैं 4B पेंसिल यूज हमें सेम ट्रिक यूज करनी है। बियर्ड के जो बाल ग्रोथ होते हैं उसके मोशन वाइज ही हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। सिर्फ इस बार हमें डार्कनेस ज़्यादा करनी है। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि हमने जो कंपास से स्ट्रोक्स लगाए थे वो अपने आप ऊपर के ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम पेंसिल के स्ट्रोक्स बढ़ा रहे हैं वैसे। हमें सिर्फ डार्कनेस और हाइलाइट्स का ध्यान रखना है। मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड अप किया है, फिर भी आप ध्यान दे के ही सेकेंड लेयर को और स्ट्रोक को ठीक से अप्लाई करो। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख लो मैं कैसे स्ट्रोक लगा रहा हूँ। ऊपर से नीचे की ओर एक सीधे फॉर्म में मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ, मुस्टेस की भी और नीचे बियर्ड की भी। लिप्स ड्रॉ करने के लिए मैंने 2B और 4B पेंसिल का यूज़ किया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइलाइट्स और डार्कनेस का ध्यान रखा है, और हाइलाइट्स को मैंने यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर से क्रिएट किया है। यहाँ पे अपर लिप्स और एटीट्यूड बियर्ड यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है, उसका आप ध्यान रखो। और जो लोअर लिप्स है वहाँ पे हाइलाइट्स है, वहाँ पे हाइलाइट्स ठीक से क्रिएट करो। और फाइनल डिटेलिंग के बाद अपना एक 3D लिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिप्स को हाइलाइट्स और डिटेलिंग करके एक फाइनल टच दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर क्रिएट करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ किया है। सेम डायरेक्शन में सेम फॉर्म में मैंने स्ट्रोक्स लगाए। आप देख सकते हो कि मैंने जो कंपास यूज करके स्ट्रोक्स लगाए थे वो यहाँ पे हाइलाइट्स हो चुके हैं, ठीक से उभर के दिख रहे हमें। हम जैसे जैसे डार्कनेस को बढ़ाएंगे वैसे ही हमें और 3D लुक मिलेगा और ये हाइलाइट्स भी उभर के आ जाएंगे। और एक ख़ास बात याद रखना, हम जब भी हेयर को ड्रॉ करते हैं, बियर्ड हो या हमारे सर के बाल हो, उसे हमें स्ट्रोक वाइज ही ड्रॉ करना है। हमें शेडिंग वाइज उसे ड्रॉ नहीं करना है, हमें एक स्ट्रेट हैचिंग करके ही उसे ड्रॉ करना है। अदरवाइज आप एक बार शेडिंग करके उसके बाद उसे इरेजर से इरेज करके एक स्ट्रोक दोगे तो अपनी वो हेयर ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। हमें स्टार्टिंग से ही उसे स्ट्रोक वाइज ही ड्रॉ करना है, तब जाके फाइनल हमें एक रियलिस्टिक हेयर का लुक मिलेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे यहाँ पे बियर्ड में और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, इसलिए मैं फिर से 8B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। सेकंड लेयर क्रिएट कर रहा हूँ मैं 8B पेंसिल का, मतलब ये हमारा फोर्थ लेयर है। मेरे पास 10B पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं 8B पेंसिल का दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 8B के ऊपर की पेंसिल होगी, 10B या 12B, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने सेकेंड टाइम 8B पेंसिल यूज़ करके जो स्ट्रोक लगाए उससे हमारी बियर्ड और भी उभर के आ रही है, और हमें एक परफेक्टली 3D लुक मिल गया है यहाँ पे। इसके बाद हम जो फाइनल टच देंगे डिटेलिंग का और हाइलाइट्स का, उसके बाद तो हमारी बियर्ड एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगी फेस को। उसके लिए मैं एक नीडेड इरेजर और बैटरी ऑपरेटेड इरेजर का यूज़ करने वाला हूँ। बैटरी इरेजर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो डार्कर वैल्यूज़ है वो नॉर्मल इरेजर से इरेज नहीं हो पाती।
इसलिए मुझे वही इरेजर यूज़ करना पड़ता है। आपको इन सभी टूल्स का रिज़ल्ट वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और ये टूल्स आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो और शेयर भी करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।